नमस्कार बहुप्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। जी कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान चीन सीमा पर भारत की सुरक्षा काफी मजबूत है, भारत अब कमजोर नहीं रहा, भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, आतंकवाद को भारत ने करारा जवाब दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि भारत में एक दिन में कोविड-19 के 15,940 नए मामले सामने आने से देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,33,78,234 पर पहुंच गई है। वहीं संक्रमण से 20 और मरीजों की जान जाने से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 5,24,974 पर पहुंच गया है। देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 88,284 से बढ़कर 91,779 हो गई है। विकसित देशों को इस बात का पूरी तरह से एहसास है कि दुनिया के समक्ष अभी जितनी चुनौतियां उनका सामना करने के लिए जिन्हें उन्हें भारत के सहयोग की दरकार है, यही वजह है कि दुनिया के सबसे मजबूत आर्थिक ताकत वाले 7 देश G7 की बैठक में लगातार भारत को आमंत्रित किया जा रहा है। ये बात विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में 2002 में गुजरात दंगे को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है और बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी पर सारे आरोप गलत पाए गए हैं, ये आरोप राजनीति से प्रेरित है। पीएम मोदी चुपचाप सारे आरोपों को सहते रहे, मोदी ने कई सालों तक आरोपों को बर्दाश्त किया। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आयकर विभाग ने ई फाइलिंग पोर्टल शुरू कर दिया है। इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई तक ITR दाखिल करना है। ई फाइलिंग पोर्टल पर ITR भरने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक अकाउंट डिटेल प्रमाणों के साथ निवेश डिटेल और अन्य इनकम प्रूफ होने चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक पर सख्ती की है। केंद्रीय बैंक ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर 57.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI की तरफ से शुक्रवार को बताया गया कि यह कार्रवाई केंद्रीय बैंक की तरफ से तय कुछ मानदंडों और धोखाधड़ी से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं करने के मामले में की गई है। बिहार में अग्निपथ के विरोध में 16 जून से जमकर बवाल शुरू हुआ था। ट्रेन रेलवे स्टेशन फूके जा रहे थे, मोबाइल के जरिए ग्रुप बनाकर सुनियोजित हंगामे को अंजाम दिया जा रहा था। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो बिहार सरकार एक्शन में आ गई। इंटरनेट मीडिया पर अफवाह फैलने से रोकने के लिए भोजपुर समेत राज्य के 20 जिलों में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मनरेगा योजना में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए लोकपाल की नियुक्ति होगी। लोकपाल के चयन के लिए अपेक्स लेवल चयनित कमेटी का गठन किया गया। इसमें कृषि उत्पादन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव चेयरमैन होंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण होने के बाद से देश विदेश के पर्यटकों और श्रद्धालुओं का यहां पर रैला लगा हुआ है। रोजाना काशी आने वालों की संख्या में कई गुना की बढ़ोतरी हो गई है। लोग यहां आने के बाद विश्व प्रसिद्ध गंगा घाट भी जरूर जाते हैं और डुबकी का पुण्य भी लेते हैं। इस दौरान लगातार लोगों के डूबने की घटनाएं बढ़ी रही हैं। रूस द्वारा किए गए खतरनाक हमलों और बमबारी के हफ्तों के बाद बर्बाद हो चुके शहर सिवेरोडोनेट्स्क से यूक्रेन अपने सैनिकों को निकालने के लिए तैयार है। क्षेत्रीय गवर्नर ने कहा है कि रूस के लिए यह एक बेहद जरूरी कदम था। इस बीच रूसी सैनिकों ने दक्षिण में सिवेरोडोनेट्स्क से लगभग 10 किलोमीटर आगे एक और शहर हिर्स्के पर कब्जा कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नौकरी के लिए अनुकंपा के आधार पर भर्ती प्रक्रिया के नियम में नए बदलाव कर दिए हैं। पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया को और मजबूत किया गया है। आवेदन इसे ट्रैक भी कर सकेंगे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिया है। विभाग का कल्पना अधिकारी मृतक आश्रित के परिवार को नौकरी दिलाने में मदद करेगा। मगध रेंज के प्रभारी IG सह BMP के IG MR नायक ने बताया है कि विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर की सुरक्षा अक्षरधाम और काशीधाम के तर्ज पर होगी। अभी वर्तमान में महाबोधि मंदिर की चौक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी कंपनी सेबी ने अब UPI का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को एक नई सुविधा दे दी है। सेबी ने खुदरा निवेशकों को रीट या इनवीट के पब्लिक इशू में 5 लाख रुपए तक का भुगतान UPI के जरिए करने की अनुमति दी है। सेबी ने हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में निवेश के लिए UPI भुगतान का विकल्प दिया है। अल्फाबेट इंक गूगल ने गुरुवार को एक रिपोर्ट में कहा है कि इटली और कजाकिस्तान में एप्पल इंक और एंड्रॉइड स्मार्टफोन की जासूसी करने के लिए एक इटली की कंपनी के हैकिंग टूल का इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट में पता चला है कि मिलान स्थित RCS लैब ने टारगेट डिवाइस के प्राइवेट मैसेजेस और कॉन्ट्रैक्ट की जासूसी करने के लिए टूल विकसित किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ दिनों में 2 बार रेपो रेट बढ़ाया। रिजर्व बैंक के इस कदम को बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। इसके बाद से ही सभी बैंकों ने अपने कर्ज के ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। साथ ही ग्राहकों को सेविंग खाते और फिक्स डिपॉजिट स्कीम पर अब ज्यादा ब्याज दे रहा है। पाकिस्तान इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। शुक्रवार को यहां का शेयर बाजार 2000 अंकों की गिरावट के बाद क्रैश हो गया। इसके बाद बाजार को अपना कारोबार तक रोकना पड़ा। उधर आर्थिक संकट से उबरने के लिए पाक सरकार ने अमीरों को 10% का सुपर टैक्स का ऐलान किया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा कि वो उन राज्यों में गर्भपात संबंधी नियमों के मद्देनजर महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए अपनी क्षमता अनुसार हर संभव प्रयास करेंगे जहां इन्हें प्रतिबंधित किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा गर्भपात के लिए संवैधानिक सुरक्षा को खत्म करने के बाद बाइडेन का यह बयान सामने आया है। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने कई साल पहले रो बनाम वेड मामले में दिए गए फैसले को पलटते हुए गर्भपात के लिए संवैधानिक संरक्षण को समाप्त कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को अनिवार्य कार्ड टोकनाइजेशन के लिए समय सीमा 3 महीने बढ़ा दी है। आरबीआई ने पिछले साल डेडलाइन 30 जून 2021 से 6 महीने बढ़ाकर 30 दिसंबर 2021 तक की थी और फिर दिसंबर में 6 महीने के लिए बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दिया था। बिहार के किसान अब ओला उबर की तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग कर के उन्हें किराए पर मंगा सकेंगे। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत पहले चरण में 2927 पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक बनाए जा रहे हैं। टोल प्लाजा पर लोगों को पहले टोल देने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकारी की तरफ से फास्टैग की शुरुआत की गई थी। फास्टैग की मदद से टोल प्लाजा पर बिना रुके ही टोल टैक्स दिया जा सकता है। ऐसे में लंबे वक्त तक वहां इंतजार भी नहीं करना पड़ता। हालांकि अब जालसाजों की नजर फास्टैग अकाउंट में पड़े पैसों पर है और इन पर भी डाका डाल रहे हैं। बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून की गतिविधियों में तेजी आई है। पटना समेत प्रदेश के अलग अलग भागों में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई। शुक्रवार को किशनगंज, बक्सर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, सिवान, गया, सुपौल में बारिश हुई। राज्य में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज के गलगलिया में 90.6 मिलीमीटर दर्ज की गई। वहीं पटना में सबसे कम 3.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। उत्तर पूर्वी राज्य असम इस समय बाढ़ की भयंकर आपदा का सामना कर रहे हैं। राज्य की बड़ी आबादी इस बाढ़ का शिकार हुई है। राज्य के इस भयंकर प्राकृतिक आपदा में रिलायंस फाउंडेशन लोगों की मदद में सामने आया है। रिलायंस फाउंडेशन ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। गौतम अडानी ने अपने 60वें जन्मदिवस के मौके पर सामाजिक कार्यों के लिए 60,000 करोड़ रुपए दान करने का फैसला किया। गौतम अडानी ने ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में बताया कि दान की यह रकम अडानी फाउंडेशन द्वारा हेल्थ केयर, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा के प्रबंधन पर खर्च की जाएगी। पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान के लिए अर्थव्यवस्था चलाना मुश्किल हो चला है। इसके लिए सरकार तरह तरह के जुगाड़ में जुटी है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को ऐलान किया कि अब वो अमीरों पर 10% सुपर टैक्स लगाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली स्थित नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पृथ्वी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बैठक की। इस दौरान पर्याप्त संख्या में भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्चाधिकारियों की हरियाणा राज्य की आवश्यकताओं और संदर्भित कार्मिक आवश्यकताओं के संदर्भ में केंद्र ने हरियाणा को आश्वस्त किया। जम्मू कश्मीर के ताज में बहुत जल्द एक हीरा सजने वाला है। जी हां, इसे हीरा ही कहेंगे। जम्मू कश्मीर में G20 देश का शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। इस शिखर सम्मेलन की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। G20 दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद यह पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होगा। अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में तख्ता पलट होने के एक साल बाद देश के राष्ट्रपति कैस सैयद एक ऐसे संवैधानिक मसौदे को स्वीकृति देने जा रहे हैं जिसके बाद इस्लाम को राजधर्म की मान्यता समाप्त की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार देश के राष्ट्रपति ने हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ट्यूनीशियन के अगले संविधान में इस्लाम राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में नहीं रहेगा बल्कि ये एक उम्मा के रूप में होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को 47 साल पहले घोषित किए गए आपातकाल को देश के इतिहास में एक काला अध्याय करार दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 47 साल पहले भारत में आपातकाल लगाना इस देश के इतिहास का ऐसा काला अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। स्वच्छ भारत मिशन का नेतृत्व करने वाले पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के पूर्व सचिव परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है। शुक्रवार 24 जून को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने उनकी नियुक्ति की घोषणा कर दी। मौजूदा CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल 30 जून 2022 को पूरा होने पर अय्यर का कार्यकाल शुरू होगा और वो 2 साल तक इस पद पर सेवाएं देंगे। शनिवार को केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्यमंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों से प्रदूषण कम होगा और आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही इस दौरान नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर भी चर्चा की। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया, इनके नाम है आलोक कुमार, दिलीप राम, नुनू कुमार, अखिलेश यादव, के चौधरी, जितेंद्र कुमार, मिथुन चौधरी, गुलजार शेख, सुरेंद्र पंडित, सुमित सूर्या, कुणाल कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार हार्दिक पांड्या की कप्तानी में आयरलैंड पहुंची टीम इंडिया जीतने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के बस इतना ही। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।